कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ये क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन IES 2000 में पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, अ सिग्नल MT 5 cos 2π 100t फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट्स अ कैरियर, द रिजल्टिंग FM सिग्नल इज 10 cos 2π 10 की पावर 5t प्लस 15 sin 2π 100t, द बैंडविड्थ ऑफ द FM सिग्नल इज, हमें फाइंड करना है बैंडविड्थ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ FM सिग्नल। इसे अगर मैं VFMT से डिनोट करती हूँ तो वो होता है VCT cos omega CT प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी, या फिर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखूं मैं एफ के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2πfct प्लस बीटा साइन 2πfmt। ठीक है, इसमें बीटा क्या है हमारा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, अब जब मैं इस एक्सप्रेशन को हमारे गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करती हूँ, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा की वैल्यू क्या आती है 15, FM की वैल्यू क्या आती है 100, ठीक है, FM इधर क्या दे रखा है 100 ये रहा, ओके, और FC की वैल्यू आती है 10 की पावर 5, ये रही FC की वैल्यू इधर 10 की पावर 5। अब हमें फाइनली जो फाइंड करना है वो करना है बैंडविड्थ ऑफ FM। तो जो बैंडविड्थ ऑफ FM का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस बीटा प्लस 1 इंटू FM। ओके, इसे आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है जिसमें डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चंस की। ओके, ये हो गया ट्वाइस बीटा प्लस 1 इंटू FM, इसे हम कार्सन्स रूल भी बोलते हैं, इस वाले फॉर्मूले को कार्सन्स रूल भी बोलते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 15 प्लस 1 इंटू FM वैल्यू 100 दे रखी है, ट्वाइस इंटू 16 इंटू 100 दैट इज 3200, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 3.2 किलो हर्ट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, बैंडविड्थ ऑफ FM 3.2 किलो हर्ट्स। तो जब हम ऑप्शंस इसके चेक करेंगे तो हमें मिल रहा है आंसर सी। तो इसमें हमें दो चीज़ याद रखने की है, ठीक है, पहली चीज़ हमें जनरल एक्सप्रेशन ऑफ FM पता होना चाहिए और दूसरा हमें बैंडविड्थ ऑफ FM पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा।